Okay, good morning all of you. I'm going to recall my topic today. तो इसके पहले प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि what is the charge and what is the properties of the charge. This all thing is related in your lesson of electricity. तो मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताया था चार्ज के बारे में कि चार्ज जिसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, द चार्ज इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू एंड इट कंटेन अ फील्ड अराउंड अस. द नेम ऑफ दैट फील्ड इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इन दिस फील्ड a force is present. The name of that force is electric force. So already I explained these all the topics about the charge, what is the electric field and what is the electric force. So hum logo ne dekha tha ki charge ki charo taraf aisa hota hai. Simple si ek aur baat samjho, agar main ek chhota sa magnet la ke rakhta hu, fir main ek aur chhota sa magnet la ke rakhta hu, to pehle magnet se इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट हुआ होगा. जैसे मैं दूसरा लाके मैग्नेट रखता हूं, उसकी वजह से भी एक और मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट हुआ, तो पहले से मोर पावरफुल हुआ. फिर आपने क्या किया, एक थर्ड मैग्नेट लाके छोटा सा और रखा. देन अगेन यू ऑब्जर्व दैट व्हेन यू प्लेस द मैग्नेट देन इट एनहांस देयर मैग्नेटिक फील्ड. तो जैसे जैसे आप मैग्नेट के नंबर ऑफ मैग्नेट्स को बढ़ाते जा रहे हो, उसका मैग्नेटिक फील्ड, उसका मैग्नेटिक फोर्स भी क्या होता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है. तो वैसे ही हम चार्ज के साथ भी ऑब्जर्व किए कि अगर एक चार्ज है हमारे पास, तो उसके थ्रू कुछ इसका अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा. लेकिन ऐसे बहुत सारे चार्जेस हैं, 1,100 चार्जेस अगर आते गए, तो वैसे ही उनका इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स भी क्या होने लगा, इनहेंस होने लगा. तो हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक में और कुछ पढ़ा था कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड देम दैट द सेम चार्जेस और द सेम चार्जेस रिपेल टू ईच अदर एंड द अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर. द रीजन इज दैट कि इनके चारों तरफ क्या मौजूद होता है, लाइन्स ऑफ फोर्सेस मौजूद होते हैं. विद हेल्प ऑफ दीज लाइन ऑफ फोर्सेस they repel the same charges repel to each other and the opposite charges attract to each other. The reason is due to electric line of forces. To koi puchega aapse ki kya reason hai ki yahan pe repulsion ho raha hai chahe attraction ho raha hai. The reason is that due to the cause of only and only what electric line of forces. Iski wajah se aisa kuch hota hai hamare paas. फिर हम लोगों ने देखा कि इसका एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम होता है. और कूलम के साथ साथ अब आगे देखते हैं अब हमें पढ़ना है कि आपको पता है कि आपके पास जो मटेरियल सब्सटेंस होते हैं उनमें कुछ आपके पास कंडक्टर्स होते हैं और कुछ आपके पास इंसुलेटर्स होते हैं. कंडक्टर किसको कहते हैं, व्हाट इज कंडक्टर एंड व्हाट इज द इंसुलेटर. द क्वेश्चन अराइज हियर दैट व्हाट इज कंडक्टर एंड द व्हाट इज इंसुलेटर. व्हेन द करेंट इज फ्लो दोस सब्सटेंस इन विच द करेंट इज फ्लो दैट सब्सटेंस मटेरियल इज कॉल्ड कंडक्टर एंड दोस सब्सटेंस और मटेरियल इन विच द करेंट cannot flow, that substance or material is called insulator. So there is the main difference between the conductor and the insulator. It depends the flow of current. So the question once again arises. ये तो समझ में आ गया आपको. Conductor किसको कहते हो आप, जिसमें conductivity होती है. Conductivity मतलब flow होता है, किस चीज का flow होता है, तो वहां पे charges flow करते हैं. अब चार्जेस में हम पढ़ेंगे और डिटेल में कि कौन से चार्जेस फ्लो करते हैं और कौन से चार्जेस फ्लो नहीं करते हैं. तो फाइनली कंडक्टर सिंपल में हम उसको कहते हैं
ध्यान से सुनना, जिसमें करंट का फ्लो हो, जिसमें करंट फ्लो होता है उसको हम कंडक्टर बोलते हैं, और जिसमें करंट का फ्लो नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। फ्यू एग्जांपल्स ऑफ द कंडक्टर, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, दिस ऑल द एग्जांपल्स आर कंडक्टर। एंड व्हाट अबाउट द इंसुलेटर, वुड, प्लास्टिक एक्सेट्रा। तो जो दो एग्जांपल्स आपको मैंने यहाँ पे दिया कि कंडक्टर आप देखते हो कि मार्केट में जाते हो, मार्केट में जाने के बाद आप कई सारा वायर देखते हो, कुछ वायर आपका कॉपर का होता है, कुछ आपका एल्यूमिनियम का होता है, कुछ आपका सिल्वर का होता है, अलग अलग आपके पास वायर होते हैं। उन वायर में कुछ ना कुछ खुद से डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। कॉपर सबसे बेटर कंडक्टिविटी शो करता है, बाकी वायर्स हैं उनमें भी कंडक्टिविटी होता है बट उसके रिस्पेक्ट में कुछ कम होता है। तो इसको जरा समझे कि आखिर ये क्या रीजन है, हैं तो सभी मेटल्स, तो इन मेटल में किसी में फ्लो होता है करंट का और किसी में फ्लो नहीं होता है करंट का। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, उसके बाद हम देखते हैं इस टॉपिक को और फिजिक्स के लैंग्वेज में हम उसको समझेंगे। सपोज करो दो फैमिली है, एक फैमिली में तीन बच्चे खाली हैं, किसी काम के नहीं, चुपचाप बैठे हैं। जैसे उनके फादर आएंगे क्लास में, सॉरी उनके घर पे, तो वो देखेंगे कि जो बच्चा खाली है उससे कुछ भी काम कहेंगे करने के लिए कि बेटा आप ये काम कर दो, आप वो काम कर दो, क्योंकि उनकी नजर में वो बच्चा क्या है, फ्री है, खाली है, चुपचाप बैठा हुआ है। जो बिजी है जनरली उनसे नहीं कहा जाएगा। तो एग्जैक्टली ऐसे ही कुछ देखा गया प्रॉपर्टीज कॉपर के साथ भी। कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 29। द एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर इज 29 एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ 29 इज 2, 8, 18 एंड 1। तो अगर इसका हम केमिस्ट्री में चल के पढ़ाई करते हैं तो हम जानते हैं ना, पढ़े उन्हें, के एल एम और एन, चार सेल्स होते हैं हमारे पास, चार ऑर्बिट होते हैं। तो ये न्यूक्लियस है सेंटर में, फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सेकंड में कितने हो सकते हैं आपके यहाँ पे, 8 हो सकते हैं। और थर्ड में कितने हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। और जो लास्ट ऑर्बिट मिला हमारे पास उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा यहाँ पे। तो इस वाले सेल को हम क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, और वी कैन ऑल्सो से आउटर मोस्ट सेल ऑल्सो। वी सी हियर इन द कॉपर, दिस इज अ कंडक्टर, द नंबर, द एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर इज 29 एंड इफ वी डू इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देन वी गेट 2, 8, 18 एंड 1। सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या मिला, 1 मिला। जरा इसको समझना होगा आपको ध्यान से, इसका ऑर्बिट फुलफिल है, इसका भी ऑर्बिट फुलफिल है, इसका भी ऑर्बिट फुलफिल है, इसका ऑर्बिट फुलफिल नहीं है। इसको जरूरत है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, और स्टेबल करने के लिए इसके लिए इजी मेथड क्या है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को उठा के डोनेट कर दे, ताकि खुद को क्या कर ले, खुद को ये अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। तो ये अपना ऑर्बिट से इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। एग्जैक्टली आप सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जानते हो, 11 होता है, 11 को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करोगे तो 2, 8, 11 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करोगे तो 2, 8 और क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। बाहर कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, डोनेट कर देगा। और जैसे ही डोनेट करता है, इसके ऊपर 1 डोनेट किया तो 1 प्लस, और अगर ये यहाँ पे 1 डोनेट किया है तो 1 प्लस, 2 डोनेट करता तो प्लस 2, 3 डोनेट करता तो प्लस 3 चार्ज शो करता है। तो होता क्या एक्चुअली, जरा इसको समझना होगा आपको ध्यान से, थोड़ा सी डिटेल में चला जाएगा केमिस्ट्री में, तो शॉर्ट में मैं लेके आ रहा हूँ आपको समझाने के लिए। हमारे अर्थ से जो मटेरियल मिले वो मेटल मिले और नॉन मेटल भी मिले, उनमें से वैसे ही हमारे पास कंडक्टर मिले और इंसुलेटर मिले। जरा ध्यान सब समझना, कंडक्टर में, इन द कंडक्टर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज प्रेजेंट इन द कंडक्टर। फिर से समझो मैंने क्या बोला,
फ्री इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंस होता है कंडक्टर में। फ्री इलेक्ट्रॉन्स हम उसको बोलते हैं जो किसी से किसी तरीके के बॉन्डिंग ना किया हो, वो फ्री स्टेट में हो। जैसे यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन किसी से बॉन्डिंग नहीं किया, वो फ्री स्टेट में है, वो जा सकता है किसी और के पास। और जब ये जा सकता है, मूव कर सकता है, तो वैसे ही हमारे पास जब हम कंडक्टर लेते हैं, सॉरी जब हम कॉपर का वायर लेते हैं, तो कॉपर के वायर में बहुत सारे एटम होते हैं कॉपर के। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? सर ओके यस सर, ध्यान सुनना फिर। तो अगर मैं एक कॉपर बोलूं, तो क्या कॉपर में, एक कॉपर के वायर में सिर्फ एक एटम होगा? ऐसा नहीं है, बहुत सारे एटम्स होंगे। तो बहुत सारे एटम्स होंगे, तो हमने अभी ऑब्जर्व किया कि कॉपर, एक कॉपर में एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, वैसे ही 100 एटम होंगे तो 100 इलेक्ट्रॉन एक्सेस होंगे। इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या नाम दिए हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे। इसी वजह से करेंट एक जगह से दूसरे जगह पे फ्लो करना होता है, क्योंकि जब चार्जेस फ्लो होते हैं, पढ़े थे हम, द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो चार्ज के फ्लो होने को ना, लेकिन दूसरा एग्जांपल दें, दूसरे एग्जांपल हम इंसुलेटर की बात कर रहे हैं। इंसुलेटर में जैसे प्लास्टिक, वुड, ये जो है, इनमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल नहीं होते हैं, तो उनमें इंसुलेटर में द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू जीरो। द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज जीरो। तो यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया कि इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है ही नहीं, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री खाली, जब ये इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो कंडक्टिविटी कौन कराएगा? तो इट डिपेंड ऑन, टोटली ऑन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू what is the reason behind them in the conductor and in the insulator. To hame conclusion ye mila, we get the conclusion here that in the conductor the number of free electrons is present, so that's why due to the free electrons conductivity can be possible, and in the insulator the number of free electrons is equals to zero, so that's why it's not possible to conduct the electricity. मैं दूसरा एग्जाम्पल से इस चीज को समझाने जा रहा हूँ। आपके फैमिली में जो आपका घर है, यहाँ पे इस घर में 3 members जो हैं वो free हैं, या 3 electrons free हैं। दूसरे घर पे, यहाँ पे एक भी इंसान फ्री नहीं है, कोई भी इंसान जो है वो फ्री नहीं, सब बिजी हैं अपने अपने काम में। जरा इस बात को समझो, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, या 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, या 1 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, है ना यहाँ पे फ्री। और जब फ्री होंगे, तो जैसे गार्जियन ने इनसे बोला कि बेटा आपको ये काम करना है, ये फ्री है, उठे और गए और मार्केट से जो भी सामान लाना है वो ला के काम कर दिए। तो यहाँ पे इनका फ्लो हुआ ना, फ्लो होने का रीजन क्या था? फ्लो होने का रीजन यहाँ पे इनका फ्री होना था। इन दिस हाउस द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज 3, और वी कैन से दैट इन दिस हाउस द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज प्रेजेंट, सो दैट्स व्हाई इट दे कैन फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बट इन दिस हाउस, दिस इज द इंसुलेटर, here in the insulator the number of free electrons is 0, so no one can present here to do any work, so that's why it behave just like a insulator and this is behave just like a conductor. फिर से आपको last time मैं एक छोटी सी बात फिर से समझा रहा हूँ यहाँ पे। तो conductor में conductivity होने का reason क्या मिला? कंडक्टिविटी होने का रीजन आपको मिला नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एक ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो कि किसी से भी किसी भी तरीके का बॉन्डिंग, जो आप कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ते हो केमिस्ट्री में, वो इसमें किसी से किसी का कोवेलेंस बॉन्डिंग नहीं हुआ है। जब बॉन्ड से बंधे नहीं है तो फ्री स्टेट में है, वो मूव कर सकते हैं उस मेटल में एक जगह से दूसरे जगह पे। और जो वो मूव करेंगे, तो करंट तभी फ्लो हो सकता है जब
चार्जेस एक जगह से दूसरे जगह पे जाएं, तो चार्जेस के फ्लो को ही हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे कंडक्टिविटी या यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है। बट अगर किसी सब्सटेंस में जैसे कि प्लास्टिक और वुड, इन दोनों सब्सटेंस में क्या चीज मौजूद नहीं होगा, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू जीरो होगी, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। और जहां पे भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा वहां पे करंट का फ्लो नहीं होगा। इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। एनी डाउट? यस सर। नो सर। सर नो सर। यस सर। सो कैन आई एक्सप्लेन वंस अगेन? Can I Yes, sir. But in short, मैंने अभी आपको क्या समझाया? आप केमिस्ट्री में पढ़े हो ना, सोडियम क्लोरीन कॉपर एल्यूमिनियम सबका पढ़े हो ना, तो एल्यूमिनियम क्या है मेटल? एल्यूमिनियम क्या है आपका? Yes, sir. एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर पता क्या है? 13 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2833। देखो के सेल फुलफिल है, यस सर, फुलफिल है सर, लेकिन एम सेल फुलफिल है नहीं है? नो सर। मेरी बात सुनो अब ध्यान से, अगर इसका ऑर्बिट फुलफिल करना हो तो दो उपाय है, ओनली हियर इज द टू कंडीशन। इफ इट गेट 5 मोर इलेक्ट्रॉन्स देन 3+5 8, अगर इसको हम 5 लाके दे दें तो फुलफिल हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल है। यस सर। तो एल्युमिनियम करता क्या है, एल्युमिनियम इस कंडीशन में सोचता है कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है कि 5 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना, उससे बेटर ऑप्शन तो 3 डोनेट कर दे। तो 3 क्या कर दिया? डोनेट किया। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। द एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज 12282। सिमिलरली कॉपर का कितना होता है? 29281। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? 1 2 3 नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है या नहीं है इसमें? है कि नहीं? यस सर। तो यस सर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस मटेरियल में मौजूद हैं। इफ द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज प्रेजेंट in that type of the substance, then it have the possibility to move from one place to another place, because another place because it cannot have any covalent bond to another. ये किसी से balance नहीं रखता, और जब नहीं है तो ये क्या है? Free state है, घूम सकता है, फिर सकता है। और जब free electron मौजूद होगा तो किस चीज का flow होगा? इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी इज डिपेंड ऑन ओनली एंड ओनली ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एग्जैक्टली। तो वी हैव थ्री, जस्ट एग्जांपल, वी हैव थ्री मेटल्स या वी हैव थ्री सब्सटेंस। इन वन सब्सटेंस वन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इन सेकेंड सब्सटेंस टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज प्रेजेंट, एंड इन द थर्ड सब्सटेंस थ्री फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज प्रेजेंट। In which material or in substance more conductivity? Third number, because in the third substance it contains 3 free electrons, and the conductivity or electricity is depend on number of free electrons. So you can say that the number of free electrons is maximum, then the electricity or the conductivity is maximum. If the number of free electrons is zero, then it behaves just like a insulator. So this is the main difference between the conductor and the insulator. So samajh mein kuch aaya? To insulator aur conductor mein main difference kya mila? Conductor contain the free electrons and insulator contain not any free electrons. The number of free electrons is zero in the insulator. So the total difference between the conductor and insulator is depend and on only and on only about number of free electrons. आपको? यस सर।
सबको क्लियर है सर गिव द एग्जांपल ऑफ इंसुलेटर इंसुलेटर जस्ट प्लास्टिक जिसमें कंडक्टिविटी नहीं होती है दैट इज कॉल्ड इंसुलेटर वुड लकड़ी फ्लो होता है नहीं होता है प्लास्टिक आल्सो अ एग्जांपल इन द प्लास्टिक द इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो सो मेनी मोर एग्जांपल्स आर प्रेजेंट हियर तो जिसमें भी कंडक्टिविटी नहीं होती तो अब अगर आपको कोई पूछेगा कि प्लास्टिक में करंट क्यों नहीं फ्लो होता है तो द आंसर क्या दोगे आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नॉट प्रेजेंट एग्जैक्टली नंबर ऑफ नॉट इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जरा इस बात को समझना मैं क्या करूं लिसन टू मी वंस अगेन चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स इज प्रेजेंट एवरीवेयर इसमें भी चार्ज है प्लास्टिक में भी चार्ज है और कॉपर और आयरन में भी चार्ज है बट इलेक्ट्रॉन्स तो दोनों में है इंसुलेटर में भी है और कंडक्टर में भी है लेकिन इट इज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स इज प्रेजेंट इन द इंसुलेटर एज वेल एज द कंडक्टर बट फ्री इलेक्ट्रॉन्स आई एम टॉकिंग अबाउट फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज प्रेजेंट इन ओनली एंड ओनली कंडक्टर Not in the insulator. मेरी बात समझ रहे हैं? Insulator. Yes. Are you getting my point? Yes, sir. Yes. Electrons is present in conductor as well as insulator also. But I'm not talking about the electrons. I am talking about free electrons. अगर हमने बात किया यहाँ पे जिसमें covalency है अच्छी खासी वो break नहीं हुआ है और जब break नहीं हुआ है तो कोई भी electrons free नहीं है और जब कोई free नहीं है क्या कोई काम करेगा इस घर में एक भी बच्चा फ्री नहीं था क्या इस घर में बच्चे थे नहीं सब बच्चे थे, थे सर, सभी बच्चे पढ़ने में बिजी थे सब बच्चे हैं लेकिन खाली बच्चा नहीं है खलियर जिसको बोलते हैं फ्री जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोई बच्चा खाली नहीं है बट बच्चे हैं इस घर में दूसरे हाउस में भी बच्चे हैं लेकिन ये फ्री फॉर्म में है खाली है ये मूव कर सकते हैं So this is the huge difference between the insulator and the conductor. So finally, we get the conclusion that the conductivity or electricity is only happen on those substances in which the number of free electrons is present. And that substance is called conductor. And if the number of free electrons is zero, that is called the insulator. 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 Yes, sir. अब जरा दूसरे टॉपिक पे देखते हैं अब हम जैसे कि मेरे पास ये हमारे पास डस्टर है तो डस्टर जो है हमारा इसमें कुछ चार्जेस होंगे ना सपोज करो इसमें 100 चार्ज हैं तो चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन से प्लस इलेक्ट्रॉन से तो प्लस ई का मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लस ई इट मींस दैट इट प्रोटॉन्स द प्रोटॉन्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनस ई The meaning of electrons. Neutrons. Okay. So plus represent about the proton and minus proton. Shows electrons. The value of one electron is equals to 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. What is coulomb? Coulomb is the unit of charge. Coulomb कौन है? Charge. Charge का unit है. तो unit of charge का. Exactly. तो हमने यहाँ पे देखा कि the value of electron is I am talking about only and only electron. The value of electron is 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. Then if I am talking about the plus C, what is the meaning of plus C? तो अगर proton की बात करें, if I am talking about proton, the value of proton is plus C, then plus 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. And what is the value of electron? The electron shows minus E, then minus 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. So very simple, we can say that the value of plus 1.6 into 10 power minus 19, it shows proton. And here, if we show minus 1.6, it shows the value of electron. So simple, we can understand that plus 1.6 into 10 power minus 19, it shows proton. And minus shows electron. The both magnitude is same. दोनों की value क्या है? Same है. But plus one show करता है. It shows proton. Minus. And minus shows about electron. Minus. Okay. Minus. Yes sir. Everyone. Okay. Yes sir. Yes sir. So the one question arises here in your examination, in the your board examination. Board examination में question पूछता है. जैसे कि यहाँ पे
कूलम ने बताया कि वन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इनटू 10 पावर माइनस 19 कूलम. देन क्वेश्चन अराइज हियर दैट वन कूलम इज इक्वल टू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स. क्वेश्चन समझ में आया? आर यू गेटिंग द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज आस्किंग हियर दैट वन इलेक्ट्रॉन वन कूलम इज इक्वल टू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स. तो इसको चलो हम सॉल्व करते हैं. वन इलेक्ट्रॉन सर. नो One electron. See here. Time to 10 to the electrons. Cross value. Oh shit. Hello. Electrons. सब मत एक साथ reply करो. आप लोग मुझे देख सकते हो? चुप रहे भाई. Hello. Hello. Yes sir. Yes sir. दिख रहा है आपको board पे? Yes sir. So. See here, आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में. यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इन 10 पावर माइनस 19 कूलम. तो 1 कूलम यही रहने दो आप. देन वी गेट 1 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 1.6 इन 10 पावर माइनस 19 इज इक्वल टू 1 कूलम. कैन आई राइट? यस सर. 1 कूलम को यही रहने दिया और इस मैग्नीट्यूड को ट्रांसफर कर दिया तो ये डिवीजन में आ गया. देन आफ्टर सॉल्विंग वी गेट 10 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड डिवाइड बाय 10. देन वी गेट 10 अपॉन 16. म्यूट करके ये सब कर यार. व्हाट? प्लीज म्यूट योरसेल्फ प्लीज. व्हाट हैपेंस? म्यूट कर यार. आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 6.25 10 18 electrons six point one five coulomb. So this is the value of 1 coulomb. Now the answer we get the answer is 1 coulomb is 6.25. Okay, listen once again. Simple सा आपसे ये पूछा है क्वेश्चन में कि 1 electron is equals to 1.6 × 10⁻¹⁹ coulomb. तो ये कूलम को आप चाहो तो लिख सकते हो ना 1 × कूलम. कोई फर्क तो पड़ा नहीं. तो मैंने क्या किया? 1 electron इज इक्वल टू मैंने लिख लिया. अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 coulomb इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. कि 1 coulomb में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे. तो आप करोगे क्या? इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा आपको. तो आप किए के यहाँ से 1 electron इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹⁹ coulomb. वी नो. तो 1 coulomb अगर आपको चाहिए तो यही रहने देना 1 coulomb को. एंड दिस मैग्नीट्यूड विल ट्रांसफर फ्रॉम दैट साइड. देन वी गेट 1 electron अपॉन 1.6 × 10⁻¹⁹. मैंने क्या किया? डिविजन कर दिया. जब डिविजन करोगे तो इसको कैलकुलेशन कर लेना आप सिंपली. तो ये माइनस 19 है ना. माइनस 19 जब ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है? प्लस 19. तो मैंने प्लस 19 कर लिया. और यहाँ पे 1 electron है तो 1 electron रहने दो. तो 1 डिवाइडेड बाई 16. तो 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 इंटू 10. वी गेट 10 अपॉन 16. 2 5 2 8. तो 5 upon 8 इज इक्वल टू 6.25 × 10⁻¹⁸. तो वी गेट द वैल्यू ऑफ 1 coulomb इज इक्वल टू 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स. तो दिस इज योर आंसर. सो यू हैव टू लर्न द वैल्यू ऑफ 1 electron इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹⁹ coulomb. एंड द वैल्यू ऑफ 1 coulomb इज इक्वल टू 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स. आपको 1 से 2 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है. तो आपको ये समझ में आया? ये डाउट है अभी भी? यस सर. हैव यू एनी डाउट? एनीवन? यू हैव टू डू ओनली कैलकुलेशन हियर. नो सर. सिंपली डिवीजन करना है. नो सर. आंसर मिल जाएगा. नो सर. ओके. सो आज हम लोगों ने ये पढ़ा कि व्हाट इज द कंडक्टर एंड व्हाट इज द इंसुलेटर. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर एंड व्हाट इज द इंसुलेटर. व्हाई द करंट इज फ्लो इन ओनली एंड ओनली इन द कंडक्टर नॉट इन द इंसुलेटर. द रीजन इज ड्यू टू ओनली नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन. द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज प्रेजेंट इन द कंडक्टर. सो दैट्स व्हाई कंडक्टिविटी इज पॉसिबल. बट इन द इंसुलेटर द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज जीरो. सो दैट्स व्हाई इट कैन नॉट कंडक्ट
any current. And the value of one electron is this, and the value of proton is plus 1.6 into something, and the value of electron is minus 1.6 into 10 power minus 19, and the value of one coulomb is equal to how many electrons? Then you have to learn 6.25 into 10 power 18 electrons. This is the value of a one coulomb, and this is the value of a one electron. Okay, itna samajh mein aaya? Hello. Yes, sir. Okay. So. Yes, sir. So I have not sufficient time. So only I'm going to explain a very few topic, a very short topic. Kinds of electricity. Listen to me once again. Kinds of electricity. There are the two. Your voice clear, sir. Okay. I am. Excuse me, sir. Okay. Move my mic. Your voice clear, sir. Move my mic. Gusa ke mat bolo, bhai. Kinds of electricity. The first is. Excuse me, sir. Yes. Chupna be. Excuse me, sir. You can see on your board also kinds of electricity. There are two kinds of electricity. The first one is static, and the second one is current. The action static is rest. Rest मतलब क्या होता है? ठहरा हुआ. और current मतलब आप क्या कह सकते हो? Flow. The kinds of electricity. The first is static and the second one is current. Static. What is the meaning of static? तो इसको जरा समझो. अबे जियो का सिम से पड़ेगा तो voice lag होगा ही. बेटा बीच में ना बोलो please. जियो का सिम से पड़ेगा तो voice lag होगा ही तेरा. You are disturbing me. So please just keep quiet. What is the meaning of static? The meaning of static is rest. जैसे कि current में हम लोगों ने उस दिन समझा था. Excuse me, sir. What happened? Sir, पहले तो उसको बता दीजिए. Sir, बता दीजिए ना उसको. Listen. What is the meaning of static? The meaning of static is rest. ये topic आपको 12th में. ये आपको topic 12th में. शांत होने. Disturb हो रहा है. समझ लो कि होता क्या. जैसे कि मैंने example आपको दिया था एक pencil का. जब आप pencil को dry hairs में rub करते हो, तो अगर pencil को इस end पे rub किए हो, तो आप यहाँ पे एक attraction की property show करते हो, महसूस करते हो, experience करते हो, ना कि. Excuse me, sir. ना कि आप इस एंड पे आप महसूस करते हो. आपने क्या महसूस किया? जिस एंड पे आपने रब किया ड्राई हेयर्स में, वहीं पे आपने. जस्ट कीप क्वाइट, डोंट डिस्टर्ब मी प्लीज. तो हमने वॉइस लिया गया सर. बेटा आप अरे भाई प्लीज. व्हाट्स योर नेम? तो ठीक है फिर चुप रहो बेटा. नहीं तो मैं आपको यहाँ से म्यूट कर दूंगा प्लीज. बाकी बच्चों को सुनने दो फिर. तो स्टैटिक का मतलब हमने क्या बताया कि जहां पे हम रब करते हैं वो प्रॉपर्टी वहीं पे ठहरी हुई है. ये फ्लो करके यहाँ से यहाँ नहीं जाता है. जबकि आप जो घर में डोमेस्टिक जो सर्किट में आप यूज करते हो करेंट को, इलेक्ट्रिसिटी को, वहां पे आप करंट पर यूज करते हो. कैसे करंट हम कह रहे हैं? क्योंकि आप जानते हो कि आप पावर स्टेशन कहीं और है, वहां से करंट फ्लो करता हुआ चार्जेस फ्लो सर, और वो चार्ज फ्लो आके आपके घर तक फ्लो करके आते हैं. सर वॉइस लग रहा है. अरे यार चुप रहो ना, लास्ट है.